गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पर स्टडी करेंगे, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? तो जो वैसा फॉर्म, ठीक है, जो वन वेरिएबल का हो और ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू पावर थ्री प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू पावर एन के फॉर्म में आपको मिले, वह फॉर्म जो है आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का यह जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसी फॉर्म में जो है वह आपको मिलेगा। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ज्यादातर आपको एग्जांपल जब भी मिलेगा वह असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स का पावर मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कुछ कौन सा टर्म पॉलिनोमियल्स है और कौन सा टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना जरूरी है कि अगर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा टर्म हमारा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा टर्म हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स टू पावर फाइव प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फाइव एक्स टू पावर सेवन प्लस सेवन एक्स प्लस वन, एक्स टू पावर क्यूब प्लस वन, एक्स टू पावर नाइन प्लस थ्री, एक्स टू पावर फाइव प्लस या फिर प्लस एक्स टू पावर टू प्लस एक्स। ठीक है, तो इस टाइप्स का जितना भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा, ठीक, वह आपका जो है एक पॉलिनोमियल्स कहलाए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में यह जान लीजिए कि वेरिएबल का जो पावर होगा, ठीक, वह आपको पी बाय क्यू यानी पूर्णांक के रूप में हो। ठीक है, यानी जो पूरा पूरी नंबर रहेगा पावर का वही आपको पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, वैसा एग्जाम्पल्स जो पॉलिनोमियल्स का नहीं है वो हम आपको दिखाते हैं। एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस थ्री जो टर्म है आपका, जिसमें आप यहां देखिए बटा में जो एक्स है, ठीक है, यह एक्स जो है अगर इसको हम ऊपर करते हैं यानी वन बाय एक्स जो होता है आपका इक्विवेलेंट किससे होता है? एक्स टू पावर माइनस वन की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो वह जब पावर नेगेटिव हो गया, ठीक है, जब पावर नेगेटिव हो जाएगा तो वह जो है पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। किसी भी इक्वेशंस में जब पावर नेगेटिव आ जाएगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। या एक्स पावर फोर प्लस एक्स टू थ्री, एक्स टू पावर थ्री बाय टू प्लस फाइव। ठीक है, यानी पावर जब आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक, किसी भी टर्म में, इक्वेशन के किसी भी टर्म में अगर आपको पावर क्या हो गया फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वह अभी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाए। ठीक है, या एक्स क्यूब प्लस थ्री रूट एक्स प्लस सेवन, ठीक है, पावर रूट में अगर आ जाएगा किसी भी टर्म का वह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो सीरीज बन रहा है वह एक्स टू दी पावर वन, एक्स टू दी पावर टू, एक्स टू दी पावर थ्री के टर्म में बन रहा है, डॉट 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 एक्स टू दी पावर एन, यानी ऑल नेचुरल नंबर जो पावर में रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर अगर वहां पर है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है आपको पॉलिनोमियल के और नॉट ए पॉलिनोमियल के। ठीक है, फिर आपका है डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वह जो किसी भी इक्वेशंस का जो हायर पावर होता है वह उसका डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे एक्स टू पावर ट्वेंटी प्लस एक्स टू पावर सेवन प्लस एक्स टू पावर फाइव प्लस वन। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री आपका कौन सा है? ट्वेंटी है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? ट्वेंटी। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या कहेंगे? 20। ठीक है, यानी उसका जो हाइयर डिग्री होगा, ठीक है, वह हाइएस्ट पावर जो होगा जिस वेरिएबल का उसी का
डिग्री हमको देखना है उसका क्या है, तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। लोएस्ट को हमको नहीं लेना है, जो सब जब भी लेना है तो हाईर पावर को लेना, ठीक है। इसी तरह से आपका चैप्टर है, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसमें जहां प्रॉब्लम हो तो उसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे आपका इसका अगला क्लास जीरो पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम चलेगा, ठीक है। थैंक यू।